Surprise! Woo! Ishan? I can't believe this! तू यहाँ कैसे? और by the way, तू कितना मोटा हो गया? मैं? अरे तू जो नहीं थी मेरा खून पीने के लिए? Shut up! But I'm so happy to see you! और तुझे किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ? अरे मुझे उस... कौन? अरे छोड़ ना, दिल्ली एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है? अब तू फिर से मेरा खून हर रोज पी सकती है। कैसे? मैंने भी तेरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया। हेलो, इधर देखो। I'm sorry, तुम्हें कहीं चोट तो लगी? Of course, बहुत जोर से लगी है। And what was that? How dare you can touch me like that? I'm sorry, मुझे लगा कि तुम ये हो और by the way, तुम इसके कमरे में क्या कर रही हो? ये ईशान है और जैसा तुम सोच रहे हो ये वैसा नहीं है. इट वॉज जस्ट अ कन्फ्यूजन. और ये शनाया है मेरी रूममेट. एक्चुअली मैं इसकी रूममेट और ये मेरा स्कूल का ओल्ड फ्रेंड है. शनाया, आई एम रियली सॉरी. वो मैंने ना गलती से अज्यूम कर लिया कि तुम वेदिका हो. मैं उसे बस डराना चाहता था. एंड आई एम रियली सॉरी, उनसे गलती होगी. आई एम रियली सॉरी. It's okay. And by the way, assume की हुई चीजें अक्सर सच नहीं होते हैं. इसलिए अगली बार से अगर किसी को डराना हो ना, तो अपने आँख, कान और दिमाग तीनों खुले रखना. वरना खुद ऐसे ही डरते रहोगे. Accounts का बहुत important lecture है. मैं जा रही हूँ, तेरे को आना है तो जल्दी आ जा. हाँ, ठीक है. कहाँ खोई हुई है? नहीं नहीं, कुछ नहीं. वैसे तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने शादी नहीं की. फिर ये सब? एक्चुअली ये बंगलो मेरे डैड का है, पर मैं हमेशा उनसे अलग रही. तू तो मुझे कॉलेज टाइम से ही जानती है ना. मैं मॉम की डेथ के लिए उनको रिस्पॉन्सिबल मानती रही. फिर एक दिन अचानक से पता चला कि रियलिटी इज नॉट दैट. ही वॉजंट रिस्पॉन्सिबल. मैं डैड को सॉरी बोलने आई, बट आई वॉज टू लेट. ही वॉज ऑलरेडी इन द डेथ बेड. और शायद डेथ बेड पे मेरा ही इंतजार कर रहे थे. मैं ठीक से उन्हें सॉरी भी नहीं बोल पाई. I'm really sorry, Shanaya. I was not aware of all this. और पता भी कैसे होता? तुम तो हमारी लाइफ से गायब ही हो गई थी. अपना नंबर भी चेंज कर दिया और कभी कॉन्टैक्ट में ही नहीं रही. तुम्हें पता है ईशान और मैंने तुम्हें कितना मिस किया? I too missed you a lot. But dad की डेथ के बाद उनकी कंपनी संभालना, I just got too busy. कौन सी कंपनी? रायचंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज. रायचंद? वो तुम्हारे डैड की कंपनी है? थी, अब मेरी है. वाओ, क्या किस्मत है तुम्हारी. काश मैं तुम्हारी जगह होती. काश मैं तेरी जगह होती. शनाया, अकाउंट्स की बुक देना. किधर गई? इधर ही तो था. वो वहीं बेड पे होगी. नहीं है यार, किधर है? अरे ढंग से देख ना, मिल जाएगी. ओ शिट, बुक तो मैंने शाम को दे दी. एक सेकेंड, मैं फोन करती हूँ उसे. हेलो. हेलो ईशान. मैं बल्लू बोल रहा हूँ. बल्लू? अरे यार, उसका एक्सीडेंट हो गया है. एक्सीडेंट? पता नहीं वो ठीक भी है कि नहीं. मुझे बहुत टेंशन हो रही है. तो इतनी टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक होगा. कैसे हुआ तुम्हें? तुम्हें इतनी सारी चोट कैसे लग गई? तुम ठीक हो?
ओके आई एम फाइन आई एम फाइन। कितनी चोट लगी है तुम्हें? वेदिका रिलैक्स, उसको ये सब कैसे हुआ? अरे यार बाइक चला रहा था, रास्ते में एक छोटा सा बच्चा आ गया, ब्रेक मारनी पड़ी, बाइक स्लिप कर गई। और क्या नॉनसेंस, ऐसे कौन चलाता है? अरे वेदिका रिलैक्स, सोचो एटलीस्ट वो बच्चा बच गया ना, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। तुम्हें पता मैं कितनी टेंशन में आ गई थी। अरे बाबा आई एम फाइन। पर अब तुम प्रोजेक्ट कैसे करोगे? तुम्हारा हाथ तो प्रोजेक्ट। अरे डोंट वरी, ये मामूली सी चोट है, इससे ईशान को फर्क नहीं पड़ता। आई एम एकदम फाइन। आर यू श्योर? या या। कुछ भी नहीं। अच्छा सुन, हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे, गॉसिप करेंगे, इसलिए तू लंच आज मेरे साथ ही करेगी। अरे नहीं यार, आई कैन सी यू आर बिजी, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कभी और। वी आर बेस्ट फ्रेंड्स राइट? ओके, इसलिए लंच डेट विथ मी टुडे। ओके। तू कहना क्या चाहती है वेदिका? ईशान तुझसे प्यार नहीं करता है? प्यार तो बहुत करता है वो, पर शनाया जिंदगी की जरूरतें सिर्फ प्यार से पूरी नहीं होती। जो लाइफस्टाइल मैं डिजर्व करती हूँ या मैं चाहती हूँ, वो मुझे वो नहीं दे सकता। सिर्फ एक पेंडेंट ही मांगा था मैंने, 4 लाख का। पेंडेंट? कौन सी पेंडेंट? मैंने ईशान से गिफ्ट में एक पेंडेंट मांगा था, इनफैक्ट मंगलसूत्र मांगा था। कल वैलेंटाइन डे है और मैं और ईशान। आई नो, वो वैलेंटाइन डे मैं कैसे भूल सकती हूँ। Thank you.
गाइस, आप सबके पास तो आपका स्पेशल वन है, मैं भी किसी का स्पेशल वन बनूंगा। कौन होगी वो लड़की जिसके लिए मैं स्पेशल होऊंगा? राइट। क्या सोच रही हूँ? कुछ नहीं, बस पुरानी कुछ यादें। अच्छा सुन, तू वो जो पेंडेंट की बात कर रही थी, वो कितने लाख की बताई? 4 लाख। तो वो पेंडेंट मैं तुझे गिफ्ट कर देती हूँ। नो शनाया, मैंने ईशान से मांगा था, ये उसका काम है। माना कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन मैं तुझसे एहसान नहीं ले सकती। चलो, ये एहसान नहीं है, उसके बदले में तू मुझे कुछ दे देना। पर शनाया, मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं तुझे दे सकती हूँ? तेरे पास ऐसा कुछ है जो मेरे पास नहीं है, और वो सिर्फ तू ही मुझे दे सकती है। शनाया, मुझे नहीं पता तू क्या बातें कर रही है, लेकिन अगर तुझे लगता है कि मैं तुझे दे सकती हूँ, देन आई विल गिव यू। डील? इट्स अ डील। मैं जल्दी से जाके चेक लेके आती हूँ। पता है, वो पेंडेंट जब तू पहनेगी ना, तो प्रिंसेस लगेगी। Everybody will compliment you. Really, yeah, it's a beautiful design. रुक, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मुझे देखना नहीं है, क्योंकि तेरी पसंद बिल्कुल मेरी पसंद जैसी है। So I know it will be a beautiful pendant. Thank you so much. मुझे नहीं पता मैं तुम्हारा एहसान कैसे। एहसान नहीं, डील। Whatever. लेकिन वो डील क्या है जो मैं दो शनाया रायचंद को दे सकती हूँ? ईशान, ईशान,